welcome to the cinnamon. It's time to review. I'm your host, I'm here to teach you what I see. Bringing you the latest, I'm sure you're gonna like all the new releases. I'll tell you what I find. So, hey guys, welcome to the cinnamon. और मैं हूं आपका दोस्त फ्रेंडली नेबरहुड सिनेमा. तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं द फ्लैश मूवी का. तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में. तो फ्लैश मूवी की स्टोरी ऐसी यही है कि कैसे बैरी एलन अपने, जैसे हमें मालूम चलता है वो कैसे फ्लैश बना था और कैसे वो अपनी मॉम को नहीं बचा पाया था. अगर आप लोग अगर ये मूवी देखेंगे तो उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले आप लोगों को मैन ऑफ स्टील देखना ज़रूरी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है. देन डॉन ऑफ जस्टिस और जस्टिस लीग स्नाइडर कट वाली देखना ज़रूर. और उसके बाद फ्लैश की सीरीज़ हो सके तो 9 सीजन वाली सीरीज देख के जाना, क्योंकि तभी आपको अच्छा मज़ा आएगा और कुछ कुछ रेफरेंसेस समझ जाओगे. उसके बाद माइकल कीटन की बैटमैन और बैटमैन रिटर्न ज़रूर देखना. तुम लोग को माइकल कीटन वाला बैटमैन का कैरेक्टर बहुत अच्छे से मालूम चल जाएगा. और सुपर गर्ल अगर टाइम मिले तो देख सकते हो. मैंने नहीं देखी थी सुपर गर्ल. और मैं अभी स्टोरी की बात करें तो बैरी एलन अपनी मॉम को नहीं बचा पाता है, बट उसी गम में वो सोचता है कि टाइम ट्रैवल करके वो कैसे अपनी मॉम को बचा पाएगा. बट टाइम ट्रैवल करते समय हो जाता है कुछ लोचा और वो टाइमलाइन में अपनी मॉम को बचा तो लेता है, बट वो दूसरे टाइमलाइन में पहुंच जाता है जहाँ पे उधर एक और बैरी होता है. और बैरी और अपना वाला बैरी, मतलब ये वाला बैरी और दूसरे यूनिवर्स वाला बैरी, दूसरे टाइमलाइन वाला बैरी, कैसे दोनों मिलते हैं, जो कॉमिक टाइमिंग्स होती है, उधर का बैरी मतलब पहले का जो बैरी है वो कैसा था, वो कितना चपड़ बोलता रहता था, बक 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 बक, और अभी उसको लेम लग रहा है, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, ऐसा लग रहा है. बट वो उसको कैसे पावर्स सिखाता है और उसी पावर सिखाने के चक्कर में क्या क्या लोचा होता है, वो कैसे माइकल कीटन के बैटमैन से मिलते हैं और क्या क्या लोचा लपाटा होता है, कैसे उधर जनरल जॉर्ड आ जाता है उनके यूनिवर्स में, उनके टाइमलाइन में, क्या जनरल जॉर्ड को वो लोग रोक पाएंगे. तो यही सब है मूवी पे, कैसे सुपर गर्ल से वो लोग मिलते हैं, कैसे सुपर गर्ल सबको मारती है, क्या क्या होता है मूवीज़ में, वो सब पूरा अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है. पॉजिटिव्स की बात करूँ तो यार देखो, मूवी फ्लैश की थी बट मतलब जो स्पॉटलाइट जो होता है ना, मतलब सो स्टीलर अपने बैटमैन थे माइकल कीटन वाले, सही बता रहा हूँ, सो स्टीलर अपने माइकल कीटन वाले बैटमैन है. उसके जो एक्शन सीक्वेंस से बहुत ही बढ़िया लगे मेरे को पर्सनली. आई लाइक वो जैसे हाथ से उड़ता है वो अपने सूट से, वो माइकल कीटन वाला बैटमैन की मूवीज में आपने देखा होगा, बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को. फाइटिंग सीक्वेंसेस और उड़ने वाले सीक्वेंसेस, बैट मोबाइल और बैट वाली जेट जो होती है, मेरे को बैटमैन का कैरेक्टर बहुत ही तोड़ लगा. एंड माइकल कीटन की मूवीज तो ज़रूर देखना, बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है माइकल कीटन ने. एंड सुपर गर्ल का कैरेक्टर भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, लिटरली बहुत अच्छा लगा मेरे को. फ्लैश मेरे को जो दो फ्लैश है, मतलब दो टाइमलाइन के फ्लैश, एक के पास येलो वाली लाइट ले, एक के पास ब्लू वाली लाइटनिंग है, दोनों लाइटनिंग जो मिलके जो एंड में क्लाइमैक्स पे जो फाइट सीन होती है वो बहुत ही बढ़िया लगता है, कैसे वो लोग जनरल जॉर्ड के आर्मी से लड़ते हैं एंड ऑल, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया वो मेरे को फाइट सीन्स लगते हैं. एक्शन एक्शन एक्शन, बहुत ही एक्शन है, बहुत VFX अच्छी तरीके लगाया है, बहुत ही मजा आता है. बहुत सारे कैमियोज है पॉजिटिव में, कैमियोज तो भाई तुम लोग को देखो, तुम लोग ये मूवी देखने से पहले तुम लोग सारे सुपरमैन जो आज तक बने वो भी देख लेना, सारे बैटमैन आज तक जो भी बने वो सब देख लेना, मतलब फोटोज की नॉलेज रख लेना कौन कौन सुपर, तुम लोग इतने सारे कैमियोज मिलेंगे, इतने सारे कैमियोज तुम लोग फूटिंग करोगे अगर तुम लोग ट्रू DC फैन हो तो. DC की मतलब जेम्स गन ने बोला था और DC वालों ने बोला था फ्लैश मूवी बहुत ही बढ़िया होगी, तो मैं इसको बोलूँगा बहुत ही बढ़िया है, जाके देखो. अगर तुम लोग DC के फैन हो तो तुम लोग के लिए तो ये दिवाली हो गई भाई, लिटरली एवेंजर्स एंड गेम वाली फीलिंग आ रही थी. बट कैमियोज थे बस इसमें और कुछ नहीं है. माइकल कीटन का बैटमैन और सुपर गर्ल और फ्लैश, दो दो फ्लैश बहुत ही बढ़िया लगे. मैंने फ्लैश की सीरीज देखी थी, तो मैंने रिसेंटली फ्लैश की सीरीज देखी 9 सीजन वाली, बहुत ही बढ़िया थी वो भी. एंड ये मूवी तो कुछ कुछ याद रखना, बस ये 2-4 मूवी देख लेना. नेगेटिव्स की बात करूँ, नेगेटिव्स में मैं बोलूँ तो नेगेटिव्स देखो कुछ वो, इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, मतलब यार पोस्ट क्रेडिट सीन इसका मेरे को नेगेटिव में मैं जोड़ना चाहूँगा. एंड कुछ कुछ एरियाज मेरे को लग रहा है कि मतलब मेरे को कुछ कुछ एरियाज समझ नहीं आए लिटरली, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है. कुछ कुछ अनएक्सप्लेन्ड छोड़ दिया गया है, आई डोंट नो क्या है, बट कुछ कुछ एरियाज मूवीज में
एक्सप्लोर तो करवाते हैं, दिखाते हैं, बट उसको एक्सप्लेन नहीं करते अच्छे से, जो मेरे को ये मेरा पर्सनल कंप्लेंट रहेगा। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कुछ दिखता है तो वो मतलब एक कैरेक्टर को तुम लोग, इतना अच्छा कैरेक्टर है उसको तुम लोग इतना डाउनग्रेड कर रहे हो लॉल, मतलब पोस्ट क्रेडिट तुम लोग देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा इतना डाउनग्रेड कर दिया अपने उस अच्छे कैरेक्टर को, इतना अच्छा कैरेक्टर हो। तो कॉन्क्लूजन मेरा ये, अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी और आपके पास मौका है तो ये मूवी ज़रूर देखो, तुम लोग नहीं डिसअपॉइंट होगे। मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मैं डीसी मूवीज में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, बट मैंने रिसेंटली देखी और उसके बाद ये मूवी देखी, ये बहुत ही बढ़िया मूवी है। मतलब इस मूवी में आपको एक्शन मिलेगा, ड्रामा मिलेगा और थ्रिल सस्पेंस मिलेगा, बट हाँ ड्रामा मतलब सैड सीन्स भी हैं दो चार, और सन एंड मदर का रिलेशनशिप भी दिखेगा, बहुत ही बढ़िया। इस मूवी को मैं ओवर दूंगा 4 स्टार्स क्योंकि मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, स्पेशली बैटमैन। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट Get the way that I move, swag. Disrespectful and I'm rude. Okay. I had cocaine in the school. Went on one hell of a kid. I am smoking gas, joking me. I'm lit. What you doing? I done did. I swear. Slick talker since a jit. Finesse. I know that this what they want. Facts. Run up some money.